सवाल है कैसे हो आपसे भाई हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने फोन के बैटरी बैकअप को इंक्रीज कर सकते हो, यानी आप अपने फोन को लॉन्ग टाइम तक कैसे यूज कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों आप में से काफी सारे लोगों ने कमेंट किया था, बोला था कि हम अपने फोन को पूरा दिन यूज नहीं कर पाते हैं, बैटरी पूरा दिन नहीं चलती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको कुछ ऐसे सेटिंग्स बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिनको आप अपने फोन में टर्न ऑन करके ऑफ करके ट्रिक्स को यूज करके दोस्तों आप अपने फोन के बैटरी बैकअप को बढ़ा सकते हो, पूरा दिन आप अपने फोन को यूज कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसी गलतियां भी होती है जो हम अपने फोन में करते हैं जिससे हमारे फोन की बैटरी ड्रेन हो जाती है, जल्दी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जरूरी है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों काफी सारी ऐसी गलतियां होती हैं जिनको हम अपने फोन में करते हैं जिससे हमारे फोन की बैटरी ड्रेन हो जाती है, जल्दी खत्म हो जाती है। यार हम मल्टीपल एप्लीकेशन अपने फोन में इंस्टॉल करते हैं, काफ़ी सारे लोग डेली नए नए एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं तो वो एप्लीकेशन उनसे जीपीएस का एक्सेस मांगता है, लोकेशन का एक्सेस मांगता है, वो लोकेशन का एक्सेस दे देते हैं, जीपीएस को ऑन कर देते हैं। दोस्तों जैसे ही आप लोकेशन ऑन करोगे, ठीक है, आपके फ़ोन की बैटरी जल्दी ड्रेन होगी, जल्दी ख़त्म होगी। दोस्तों आपको जीपीएस को हमेशा ऑन नहीं करना है, लोकेशन को ऑन नहीं करना है, एक्सेस नहीं देना है। दोस्तों अगर आप लोकेशन को ऑन करोगे आपके फ़ोन की बैटरी जहां 10 घंटे चलने वाली रहेगी 2 घंटे में ही ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। आपको हमेशा इस चीज़ को चेक करते रहना चाहिए कि कहीं हमारे फ़ोन में जीपीएस ऑन तो नहीं है। इसके साथ में ब्लूटूथ, दोस्तों ब्लूटूथ भी हमारे फ़ोन में ऑन रहता है, नए नए डिवाइसेस को स्कैन करता रहता है, बैटरी को ड्रेन करता है। दोस्तों आपको इन दोनों चीज़ों को हमेशा ऑफ करके रखना है। काफ़ी सारे लोग कंट्रोल सेंटर में इस चीज़ को चेक नहीं करते हैं, ठीक है, कंट्रोल सेंटर में चेक नहीं करते हैं और उनके फ़ोन में जीपीएस और ब्लूटूथ हमेशा ऑन रहता है, ठीक है। तो आपको अगर जीपीएस और ब्लूटूथ को ऑफ करना है, बंद करना है, तो सिंपली आपको कंट्रोल सेंटर को ओपन करना है, ठीक है। कंट्रोल सेंटर को ओपन करने के बाद आपको यहां से ब्लूटूथ और जीपीएस को ऑफ कर देना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके फ़ोन की जो बैटरी है वो लॉन्ग टाइम तक चलेगी, ठीक है, आपको इसको बंद कर देना है, ओके, आपको इसको बंद कर देना है। इसके बाद आपको सेटिंग में जाना है, ठीक है, फोन के सेटिंग में आपको जाना है। फोन के सेटिंग में जाने के बाद आपको यहां पर सर्च करना है स्कैनिंग, ठीक है। आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा वाईफाई एंड ब्लूटूथ स्कैनिंग, आपको इस पर टैप करना है। आपको यहां से इन दोनों सेटिंग्स को ऑफ कर देना है, ठीक है, वाईफाई स्कैनिंग को, ब्लूटूथ स्कैनिंग को, आपको इन दोनों सेटिंग्स को हमेशा ऑफ करके रखना है, ठीक है, क्योंकि बैकग्राउंड में वाईफाई हमेशा स्कैन होता रहता है, ब्लूटूथ स्कैन होता रहता है, तो बैटरी को ड्रेन करता है, खत्म करता है, ओके। इसके बाद आपको बैटरी सेटिंग करना है, ऑप्टिमाइजेशन करना है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों हमारे फ़ोन में बैटरी के नाम से एक सेटिंग होता है, काफ़ी सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होते हैं जिससे आप अपने फ़ोन के बैटरी बैकअप को बहुत ही इजीली इंक्रीज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। आपको बैक जाना है, बैक जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैटरी के नाम से, ठीक है, आपको इस पर टैप करना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, आपको यहाँ पर ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा पावर सेविंग मोड, ठीक है। दोस्तों अगर आप कहीं ऐसी जगह पर हो, ठीक है, जहां पर आप अपने फोन को चार्ज नहीं कर सकते हो, तो दोस्तों उस कंडीशन में आप पावर सेविंग मोड को ऑन कर सकते हो, ठीक है। इससे बैकग्राउंड में कोई भी एप्लीकेशन रन नहीं होगा, काफी सारे जो प्रोसेस हैं आपके फोन में हो रहे हैं वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों आपके फोन की जो बैटरी है वो लॉन्ग टाइम तक चलेगी। दोस्तों इसके बाद आपको सेकंड नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा सुपर पावर सेविंग मोड, ठीक है, ये जो सेटिंग है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आप इसको ऑन करोगे, ठीक है, तो आपके फ़ोन की जो बैटरी है वो 4 से 5 गुना तक बढ़ जाएगी, ठीक है। ये आपको तब यूज करना है जहां पर आप 2 से 3 दिन तक अपने फ़ोन को चार्ज नहीं कर पाओगे। दोस्तों जब आप इसको ऑन करोगे, ठीक है, यार आप अपने फ़ोन में काफ़ी सारी चीज़ें नहीं कर पाओगे, ठीक है, इंटरनेट को यूज नहीं कर पाओगे, मतलब कि लिमिटेड एप्लीकेशन ही आप यूज कर पाओगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप किसी ऐसी जगह पर हो, सिर्फ आप कॉलिंग करना चाहते हो, आप लॉन्ग टाइम तक अपने फ़ोन के बैटरी को चलाना चाहते हो,
तब दोस्तों उस कंडीशन में आप सुपर पावर सेविंग मोड को ऑन कर सकते हो, ठीक है। उस टाइम पर सिर्फ आप कॉल कर पाओगे, ठीक है, और ज़्यादा एप्लीकेशन को यूज नहीं कर पाओगे। आपके फ़ोन की जो बैटरी है वो 3 से 4 दिन तक बहुत ही इजीली चल जाएगी। मोर बैटरी सेटिंग्स आपको इस पर टैप करना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स मिलेंगे, फीचर्स मिलेंगे, ठीक है। आपको फर्स्ट नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा परफॉर्मेंस मोड, आपको इस पर टैप करना है। आपको सेकेंड वाले ऑप्शन पर टिक करके रखना है, ठीक है, स्मार्ट परफॉर्मेंस मोड, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर सेकंड नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा ऑप्टिमाइज बैटरी यूज, आपको इस पर टैप करना है। दोस्तों अब आपको यहाँ पर आपके फ़ोन के सभी एप्लीकेशन शो हो जाएंगे, ठीक है। सिंपली आपको एक एक करके सभी एप्लीकेशन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑटो ऑप्टिमाइज कर देना है, ठीक है। दोस्तों जब आप ऑटो ऑप्टिमाइज कर दोगे, अगर आपके फ़ोन की जो एप्लीकेशन है वो ज़्यादा बैटरी को ड्रेन करेगा, तो दोस्तों आपका फ़ोन उस एप्लीकेशन को ऑप्टिमाइज कर देगा, क्लोज कर देगा, ठीक है। तो यही काम आपको सभी एप्लीकेशन में करना है, सभी को ऑटो ऑप्टिमाइज कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको बैक आना है। दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पर लास्ट में एक सेटिंग मिलेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऑप्टिमाइज्ड नाइट चार्जिंग। ये जो फीचर ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। दोस्तों हम अपने फ़ोन को फास्ट चार्जर से चार्ज करते हैं तो हमारा फ़ोन जितनी तेज़ी से चार्ज होता है उतना तेज़ी से ड्रेन भी होता है, ठीक है। दोस्तों अगर आप अपने फ़ोन को रात में चार्ज पर लगा रहे हो, ठीक है, तो दोस्तों आपको यहां से इस सेटिंग को ऑन कर देना है। इसका फ़ायदा यह है कि रात में अगर आप अपने फ़ोन को चार्ज पर लगाओगे, ठीक है, तो दोस्तों आपका फ़ोन फास्ट चार्ज नहीं होगा, धीरे धीरे स्लो स्लो चार्ज होगा, लॉन्ग टाइम तक आपके फ़ोन की बैटरी चलेगी, ओके। दोस्तों आप कोशिश हमेशा यही करो कि फास्ट चार्जर को कम से कम यूज करो, ओके। दोस्तों अगर आप जितना ज़्यादा फास्ट चार्जर यूज करोगे उतना कम बैटरी बैकअप आपको मिलेगा। अगर आप रात में फ़ोन को चार्ज पर लगाकर सो रहे हो, ठीक है, तो सिंपली आपको यहां से ऑप्टिमाइज नाइट चार्जिंग आपको इस सेटिंग को ऑन कर देना है। आपका फ़ोन स्लो चार्ज होगा, सुबह तक फुल चार्ज हो जाएगा और दोस्तों आपके फ़ोन की जो बैटरी बैकअप है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह आपको अपने फ़ोन में इन सेटिंग्स को यूज करना है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने फ़ोन में इन सेटिंग्स को कर लेते हो और दोस्तों कुछ बातों का ध्यान रखते हो, तो दोस्तों आपके फ़ोन की जो बैटरी है वो लॉन्ग टाइम तक चलेगी, आप अपने फ़ोन को लॉन्ग टाइम तक यूज कर पाओगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।